लड़ाई यहाँ पे आ चुके हैं अग्निशामक दल वाले। लेकिन ये नहीं पता चला है कि ये पेड़ नेचुरली गिरा है, किसी ने गिराया है जान, मतलब ये पहाड़ गिर गया ऐसा करके पूरा रोड ब्लॉक हुआ है। पतली ना का गलत है ना सो गाइस, यहाँ पे मुलुंड में गिरा है रात के इस टाइम पे 11:30 बजे गिरा है ये बहुत बड़ा पेड़। बचा ना गाड़ी तेरा? हाँ, मेरा गाड़ी तो सो गाड़ी पे हाँ, लेकिन इन सब का जान, इन ये लोग बैठे थे इनका जान बच गया, ये सबसे बड़ी बात है, मतलब बे वापस ओबत है ना। सो गाइज, अभी हम लोग यहाँ पे पार्क में घूम रहे थे और फाइनली मेरे एक दोस्त ने देख लिया कि यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ गिरा है, तो हम लोग सब अभी यहाँ पे आए। अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कैसे गिरा, कब गिरा, अभी यहाँ पे आके पता चलेगा हमको, अभी देखते हैं वहाँ पे जाके। यहाँ पे पूरा पेड़ गिर गया है, बाप रे। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो इसका जो मेन जड़ थी ये यही पे थी और यहाँ से वो गिरा, देखो पत्रा पूरा फट गया है यहाँ पे और ये पूरा पेड़ वो साइड में गिरा। अभी पता नहीं वहाँ पे लोग बैठे थे नहीं बैठे थे कुछ पता नहीं। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं अग्निशामक दल वाले। सो गाइस, यहाँ पे मुलुंड में गिरा है रात के इस टाइम पे 11:30 गिरा है ये बहुत बड़ा पेड़। बाप रे, ये देखना, यहाँ पे अग्निशामक दल वाले भी आ चुके। और गाइस, अग्निशामक वाले 10 मिनट में पहुंच चुके थे यहाँ पे। और गाइस देखो यहाँ पे कितने लोग जमा है, और मेन वहाँ पे 3 बाइक्स है ना जो अटकी पड़ी है बिकॉज ऑफ गाइस, कम से कम 15 से 20 फीट का ये पेड़ है जो गिरा है यहाँ पे। एंड गाइस ये देखो यहाँ पे पीछे पेड़ गिरा है। अनि गाड़ी वासली, तो गाइस मेरे दोस्त का गाड़ी बच गया, कूटे मेरी गाड़ी। सो ही इज माय फ्रेंड अनिकेत, और हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे यहाँ पे पार्क में, और देखो यहाँ पे गाड़ी, गाड़ी के बचा ना गाड़ी तेरा? हाँ, मेरा गाड़ी बच गया। सो गाड़ी पे गिरते गिरते बच गया गाड़ी हमारा, ये देखो यहाँ पे कितने, ये देखो ये गाड़ी बच गई, और ये थैंक गॉड इतनी गाड़ियां बची देखो। और यहाँ पे अग्निशामक वाले भी आ चुके हैं करने के लिए। अरे गाय कैसा है भाई? सो ये हमारे दोस्त का गाड़ी और उसके भाई का भी गाड़ी बच गया। अतली ना का गलत है ना? सो गाइस इन्होंने अभी ना यहाँ पे सब कटिंग किया है, जितने भी एक्स्ट्रा पेड़ थे ना, जितने भी थे वो सब कट कर रहे बेचारे। और ये देखो यहाँ पे बहुत से पेड़ है, देखो ये तोड़ रहे हैं। काय माहिती कोणाचे दादा, काढायला लागेल आपल्याला, मदत करू आम्ही, काय टेंशन घेऊ नका। और गाइस ये देखो अभी रात के बजे कितने, 12 बजे ना, 12 बज चुके और ये देखो काम चल रहा है यहाँ पे। और फाइनली ये गाड़ी निकल चुकी है, हम लोग गाड़ी को रेस्क्यू करने में आ चुके हैं। सो गाइस ये देखो अभी ये बाइक जिसका है ना, किसका है अभी तक पता नहीं चला है, बिकॉज 2 बाइक्स थी, एक मेरे दोस्त की और उसके भाई की थी, और ये अभी तक पता नहीं चला किसकी बाइक है, लेकिन इन्होंने इसे रेस्क्यू किया है, कहीं पे कुछ डैमेज नहीं है एग्जैक्ट, अच्छी तरीके से हमने चेक किया, गाड़ी उन्होंने रेस्क्यू कर ली है। एंड गाइस देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, और हैट्स ऑफ है हमारे मुलुंड ईस्ट की अग्निशामक दल को, सच में इतनी रात में भी वो लोग इतनी एनर्जेटिक वे में काम कर रहे हैं, सल्यूट सल्यूट है। गाड़ी बोलना
नियाज प्रकारे गाडी रेस्क्यू झालेली आहे ऍक्टिवा. नाही काय नाही झालं. ओके गाइज अभी देखो यहाँ पे जितने भी एक्सेस पेड़ है ना उसे तोड़ा जा रहा है ताकि रूट क्लियर हो सके. बिकॉज पूरा रूट देखो ये देखो यहाँ पे पूरा रूट बंद पड़ा है. और अभी ये नेचुरली गिरा है या किसी ने जानबूझ के गिरा है कुछ पता नहीं है. और ये देखो ये वायर भी देखो इसमें अटक गया है. ये देखो वायर अभी से छोटे छोटे इसमें कट कर रहे हैं. सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा बड़ा पेड़ गिरा हुआ है. बहुत बड़ा पेड़ था लेकिन ये नहीं पता चला है कि ये पेड़ नेचुरली गिरा है किसी ने गिराया है जानबूझ के. ये पता नहीं चल पाया है बिकॉज इतना बड़ा पेड़ ऐसे ही नहीं गिर सकता. बिकॉज ना ही तूफान है ना ही आंधी है ना ही बारिश हो रही है तो ये पेड़ कैसे गिरा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है गाइज. सो अभी ये देखो यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है. वो पोल आई गेस पूरा बेंड हो गया. ये देखो पूरा पोल बेंड हो चुका है. यहाँ पे इतने लोग हैं पढ़ता ना होते तुम्ही ना है ना क्या बोलना का पढ़ले क्या बोलना का. आपने देखा कुछ ये जब गिरा अभी? नहीं जस्ट ये गिरा उसके बाद हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि मतलब ये झाड़ गिर गया ऐसा करके पूरा रोड ब्लॉक हुआ है. तो हम लोग जस्ट यहाँ पे आए मैं और मेरा फ्रेंड बुलेट से आया तो यहाँ पे कोई था नहीं. तो सिक्योरिटी वो कुछ बिल्डिंग के सिक्योरिटी लोग थे वो लोग उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाया. उसके बाद सारे लोग जमा हो गए. ओके तो फायर ब्रिगेड को कॉल किसने किया था? उन लोगों ने उन्हीं लोग ने किया बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन चालू है उन्हीं लोग ने. आपका नाम क्या? आकाश सिंह. तो आकाश सिंह इन्होंने यहाँ पे पहले देखा इन्होंने बिल्डिंग वालों को इन्फॉर्मेशन दिया बिल्डिंग वालों को और बताया कि यहाँ पे पेड़ गिरा है. और देखो गाइज वहां से फिर किसने फोन किया फायर ब्रिगेड वालों को और फिर अभी ये पेड़ उठाने का काम चल रहा है. ये हमारे स्कूल का दोस्त है ये आज इधर आया इसकी वजह से पेड़ गिरा है इसकी वजह से गिरा है इसी ने फूंक मारा और पेड़ गिर गया. ये आया इसकी वजह से पेड़ गिरा है गाइज इसकी वजह से. यही है कली का नारद मुनि. सो गाइज देखो पहले पूरा पेड़ ढका हुआ था झाड़ पट्टी से अभी पूरा क्लियर करके अभी देखो पूरा यहाँ पे सब फांदी यहाँ पे है जैसे टहनिया बोलते हैं ना पेड़ की टहनिया सब यहाँ पे है. ये देखो इतना सब है और ऐसा एक पोल है ना गाइज वहां पे भी है वो पोल पूरा बेंड हो गया. वो देखो बाप रे अब देख सकते हो देखो दादा आता ते हे एवढं झाड कसं हे करणार तुम्ही कट करणार मशीनने कट करणार. ओके पण थँक्यू सो मच हा एवढ्या रात्री येऊन तुम्ही काम केलं थँक्यू सो मच. सो गाईज यहाँ पे अभी मशीन है लेकिन इनके पास टू पिन है बरोबर ना थ्री पिन नहीं है और ये थ्री पिन है इसके वजह से नहीं हो रहा है. सो गाईज अभी क्या यार तुमको थ्री पिन लगाने में प्रॉब्लम क्या था? नहीं है ना तो गाइज यहाँ पे थ्री पिन नहीं इसकी वजह से सब दिक्कत हो रही है. उनको चाहिए थ्री पिन उनकी मशीन जो है उसमें थ्री पिन है यहाँ पे टू पिन है. तो अभी हम लोग थोड़ा जुगाड़ करेंगे कुछ देखते क्या होता है स्टे ट्यून. सो गाइज ये देखो ये पूरा झाड़ जो अंदर से सूखा है अभी सूखा है कुछ पता नहीं है बट ये सूखा है इसकी वजह से गिर गया. ओके हाँ लेकिन इन सब का जान ये लोग बैठे थे इनका जान बच गया ये सबसे बड़ी बात है मतलब देव अपना सोबत है ना. सो गाइज अभी जेसीबी बुलाया है इन लोगों ने बिकॉज क्या ये कट करने के बाद भी इतना बड़ा पेड़ कैसे एक साइड करेंगे ना इसके लिए जेसीबी बुलाया है. वो आएगा और वो फिर बारीक बारीक टुकड़ों में कट करेगा और फिर साइड में रख देगा तो रास्ता क्लियर हो जाएगा. सो देखते हैं जेसीबी कितने टाइम में आता है. गाड़ी तो आ चुकी है यहाँ पे गाइज 11:51 मतलब 11:51 को ये पेड़ गिरा है पेड़ गिरा है और अभी 12:17 मतलब ऑलमोस्ट है ना एक 27 मिनट हुआ है. तो उसमें इन्होंने देखो कितना फास्ट एक्शन लिया है. सो गाइज हैट्स ऑफ है हमारे मुलुंड के अग्निशामक दल को उन्होंने इतना फास्ट रिएक्शन दिया इस चीज़ को. बस कुछ इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत है इसके लिए थोड़ा टाइम चला गया. और गाइस यहाँ पे इन्होंने दूसरी मशीन अरेंज की है जो पेट्रोल पे चलती है
और ये अभी उसमें पेट्रोल और ऑयल डाला जा रहा है ताकि वो चालू हो सके। कितना डीजल लगता है इसमें? 5 लीटर। रोकेट ऑयल है क्या? अच्छा। सो गाइस फाइनली मशीन रेडी हो चुकी है हमारी पेट्रोल डाल के, अभी ये चालू करने की कोशिश कर रहे हैं जो हैंडपम्प। अरे ये चालू हो गई मशीन हमारी गाइस, और अभी ये दिक्कत जो है सामने, जो इतना बड़ा महासंकट खड़ा है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा बिकॉज जो शस्त्र जिसे हम लोग कहते हैं चक्र, हमारे हाथ में आ चुका है ये मशीन के द्वारे, और ये मशीन से ये इजीली कट हो जाएगा गाइस। बिकॉज आसान नहीं है इतना बड़ा पेड़ कट करना, बट ये मशीन उसे इजीली कट कर देगी गाइस। और ये देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं रात में, और शोर भी बहुत हो रहा है, आस पड़ोस के लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है। और ये पहला पेड़ कट हो चुका है एंड अभी ये लोग आगे भी पेड़ कट कर रहे हैं। ये देखो गाइस अभी वहाँ पे भी पेड़ कटिंग चल रहा है, और ये देखो भूसा कितना आ रहा है मेरे कैमरे के ओर जैसे 3D इफेक्ट होता ना वैसे लग रहा है मुझे, देखो स्क्रीन पे जैसे 3D में आते हैं ना, जैसे हम लोग मूवी थिएटर में देखते हैं वैसे दिख रहा है, देखो गाइस। और ये फाइनली ये भी कट हो चुका है, एंड गाइस अग्निशामक दल वालों ने तो बहुत मेहनत कर ली, साथ में ये लोग जो है ये इन्होंने भी बहुत हेल्प की है इस पेड़ को हटाने में, बिकॉज ये मशीन यही लोग चला रहे हैं, एंड हैट्स ऑफ है हमारे मुलुडीज के अग्निशामक दल को। और ये जो 4-5 लोग हैं जो इतनी रात गए इतना काम कर रहे हैं यहाँ पे, इनको भी दिल से सल्यूट है मेरा। और सच में देखो ना रोड पे कोई है ही नहीं, मैं हूँ और एक अग्निशामक दल वाले हैं और कुछ लोग हैं, और ये काम चल रहा है गाइस। सच में हैट्स ऑफ है इन लोगों को। और गाइस ये अभी बड़ा पेड़, एक जो बड़ी टहनी बोलने से अच्छा है कि एक पार्ट जो पेड़ का था वो बहुत बड़ा पार्ट कट हो चुका है वहाँ पे। अभी बस ये जो सामने दिख रहा है इतना ही पेड़ बाकी है कट करना, और उसमें बहुत मेहनत लगने वाली है गाइस, क्योंकि इसमें क्या है ये पेड़ कट होते समय ये लेफ्ट में गिरेगा ये राइट में गिरेगा ये हम लोग बोल नहीं सकते, इसलिए जब ये फाइनल कट होते रहेगा तभी सब लोग दूर चले जाएंगे, सिर्फ जो कटिंग करने वाला बंदा है वही पास में खड़ा होगा, और वो भी एक डिस्टेंस पे रहेगा ताकि जैसे ही कट हो जाए वहाँ से निकल सके। और गाइस बीच में लाइट चली गई थी पोल की, अभी फिर से लाइट आ चुकी है तो काम करने में आसानी हो रही है। और गाइस सब लोग वैसे ही खड़े हैं जो मेरे साथ थे, देखो अभी वहाँ से उसने कट कर लिया, अभी उसने मशीन दी है इस वाले बंदे को, अभी यहाँ से जो बाकी पेड़ है वो कट करेगा, बिकॉज जो इसका जो लेंथ होता है ना मशीन का वो थोड़ा कम है नेचुरल, जो नॉर्मल मशीन अग्निशामक वालों के पास होती है इलेक्ट्रिक वाली उससे थोड़ा कम है, तो ब्लेड इसकी कम होने के कारण 2 साइड से कट करना पड़ रहा है। टाइम बहुत जा रहा है लेकिन वो लोग मैनेज कर रहे हैं उस चीज़ को। और ये देखो गाइज अभी यहाँ से भी कटिंग हो रहा है, एंड आई गेस कटिंग हो गया। और ये गाइज ये देखो ये टूट गया पेड़, कट हुआ हुआ नहीं हुआ, अब ये हो गया है शायद से, तो अभी ये इसे थोड़ा सा पुश कर रहे हैं। हाँ सो फाइनली हो गया है, यहाँ से कटिंग हो चुकी है, ये देखो एक बहुत बड़ा पार्ट कट हो गया। अभी जो ये बीच का पार्ट है जिसकी वजह से पूरा जो रोड है वो ब्लॉक है, वो अभी कट करना शुरू हो गया है। एंड गाइज सच में हम लोग ऐसे खड़े हैं तो हमें इतना ये हो रहा है, टेंशन आ रहा है कि ये कब ख़त्म होगा, इतना बड़ा पेड़ कट होगा या नहीं, लेकिन ये लोग मेहनत कर रहे हैं गाइज सच में। और ये येलो टी शर्ट वाला इसने तो फोटो भी नहीं दिया, ही सेड कि कोई बात नहीं सर हमारा काम है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप फोटो वोटो हमारा मत खींचो इन बाकियों का खींच लो। तो कुछ कुछ हीरोज ऐसे होते हैं कि जो पर्दे के पीछे काम करना चाहते हैं आगे नहीं आना चाहता, उसमें से ये लोग हैं। और गाइज ये भी पेड़ मेरे हिसाब से अभी ये पार्ट कट हो चुका है, फाइनल हो रहा है कटिंग, एंड एक हवलदार भी थे यहाँ पे, और साथ में एक जो अग्निशामक दल वाले हैं वो भी खड़े थे, वो लोग एंड तक रुके थे गाइज, पूरा ख़त्म होने के बाद ही वो चले गए। सो ये देखिए अभी ये फाइनल कटिंग हो रही है यहाँ पे, और ये जो सामने वाले दादा ना ये बहुत मेहनती है यार, यहाँ से क्या ताकत है इनमें क्या पता नहीं, मतलब मैं बोलूँ तो पूरा पेड़ आधे से ज़्यादा इन्होंने ही कट किया है सच में। और ये देखो अभी ये आई गेस
कट हो गया फाइनली। सो गाइज मैंने आपको बोला ना लेफ्ट राइट कहाँ पे गिरेगा कुछ पता नहीं, इसलिए दूर ही रहना सबसे समझदारी का काम है इस वक्त। सो हम लोग दूर से ही देख रहे हैं इस चीज़ को, और अभी ये जो ऊपर ऊपर के जो कॉर्नर से इसे कट किया जा रहा है ताकि आसानी से इसे रोड की एक तरफ रखा जा सके, क्योंकि रोड के एक तरफ रखेंगे तो ही रोड क्लियर होगा गाइज। और इतने बड़े कटिंग जो पार्ट है इसका पेड़ का, इसे लोग उठा नहीं पाएंगे, तो इसके लिए इसे स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में कट किया जा रहा है ताकि उसे आसानी से रोड के किसी एक तरफ रखा जा सके। एंड गाइस बहुत मेहनत का काम है, देखो रात हो चुकी है, मेरे हिसाब से अभी 1:15 बजने को आ गया। ओके फिर भी ये लोग काम कर रहे हैं सच में, ग्रेट ग्रेट गाइस। और ये देखो अभी ये इस पेड़ को यहां से एक रोड के उस साइड में ले जा रहे हैं गाइस, ये देखो बहुत बहुत मेहनत का काम है। हम लोग ने पूछा उनको कि हम लोग मदद करें तो दे सेड कि आप मत करो सर, आपको कहीं पे लग जाएगा, तो वो 3-4 जन ही मिलके कर रहे हैं। लोग बहुत थे लेकिन उन्होंने कहा हमें ही करने, तो हमें पता है कैसे करना है, आपको कुछ लगा कहीं पे हाथ वाथ में तो दिक्कत हो जाएगी, सो हम लोग मैनेज कर लेंगे। सो गाइस सच में, और ये देखो अभी फाइनली मेरे हिसाब से थोड़ा सा ही पेड़ बचा है, अभी ये जो बीच का पेड़ है वो कट कर रहे हैं ये लोग। और ये देखो इनका मशीन अटक गया बीच में, अभी दूसरी जगह पे ये लोग अभी करेंगे कटिंग स्टार्ट। ये देखो मशीन स्टार्ट हो चुकी है, और सच में एक 1.25 लीटर पेट्रोल में इतना मशीन चल रहा है सच में, और जिसने भी इजाद किया इस मशीन का ग्रेट है, वरना इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो ये पेड़ कट होने ही नहीं वाला था। और एक और रास्ता, तो रास्ता क्लियर हो चुका है, और ये पहली गाड़ी क्लियर होके जा रही है। देखो गाइस ये देखो क्या है, डीजल संपला ना, बट खूब चांगलं काम केलं तुम्ही। तुमचं नाव काय? संतोष। संतोष यांनी खूप चांगलं काम केलेलं आहे, आणि परत डिझेल रिफिल होत आहे, पेट्रोल आहे ना। हा यूट्यूबला येणार, यूट्यूबला उद्याच टाकतो। सो गाईज ऑलमोस्ट बोलतात ना अर्ध काम झालेलं आहे, अग्निशामक वाल्यांनी खूप चांगलं काम केलं, मस्त एकदम। आणि हे बघा इथे एवढं झाड कापून टाकलेलं आहे, आणि हे आता थोडंसं राहिले, आता हे दादा ते करतायत। सो गाईज ये देखो अभी ये आई गेस ये अगर कट हो गया ना तो पूरी गाड़ी यहाँ से निकल सकती है, इतना बड़ा जगह हो जाएगा यहाँ से। सो गाइज ये लोग अभी बहुत मतलब थके हुए लग रहे हैं मुझे, वो सच में इतना बड़ा पेड़ कट करना आसान काम नहीं है, और ये मेरे हिसाब से ये भी कट हो चुका है, या फिर शायद वो भी वो साइड से जाएंगे। और ये गिर गया, फाइनली गिर गया है पेड़, क्या बात है, सुपर। और ये अभी यहाँ पे जो थोड़ा बचा हुआ है इसे कट करेंगे, तो ये 2 टुकड़ों में कट हो गया, तो फिर ये यहाँ से हट जाएगा और पूरा रास्ता क्लियर, और ये क्लियर हो चुका है गाइस, क्या बात है गाइस। तो फाइनली रास्ता क्लियर झालेला आहे, तो गाइस आप देख सकते हो पूरा रास्ता क्लियर हो चुका है यहाँ पे, एंड अभी फिर से जैसा हमारा जो रूट था यहाँ का वो फिर से क्लियर हो जाएगा। एंड गाइस पेड़ कट हो चुका है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है अभी इस पेड़ के जो टुकड़े हैं इन्हें रोड के एक साइड में रखना, तो इसमें बहुत इनकी मेहनत लगने वाली है गाइस, और देखो कितनी मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, सच में हैट्स ऑफ है इन तीनों को। हो चुका है एंड ये देखो अभी ये पहली गाड़ी होगी जो ये क्लियर रोड से जाएगी, देखो गाइस लगना रहे किसी को तो शायद, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग यहाँ पे, तीन तीन चार चार लोग मिलके काम कर रहे हैं, देखो एक आदमी से उठाया नहीं जा रहा है।
और ये दूसरी बाइक भी यहाँ से चली गई है गाइस बीच में से, बस थोड़ा टाइम और ये अगर कट हो गया तो फिर पूरा रोड क्लियर हो जाएगा। और मेरे हिसाब से अब ये भी कट होने को ही आ गया है और ये गाड़ी भी चली गई। ये देखो गाइस ये गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है, ये रास्ता क्लियर हो चुका है, फाइनली रोड हो चुका है क्लियर, क्या बात। और यहाँ पे दूसरा गिर गया। सो गाइस फाइनली रोड हो चुका है क्लियर, और जब मैंने यहाँ पे देखा था तभी पूरा पेड़ से ये पूरा रोड ब्लॉक हो चुका था। अभी देखो अग्निशामक दल जो है हमारा मुलुंड का, उसने और इन सब लड़कों ने मिलके पूरा क्लियर कर दिया रूट। सो गाइज एक्चुअली लाइक करने वाली बात नहीं है, किसी की जान भी जा सकती थी, लेकिन फिर भी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज। एंड ऐसे ही नए ब्लॉग्स देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद वॉक विद निक, आपला मुलुंड, यो गाइज।